उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के आठवें दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और सपा विधायक जवाहिद बैग सदन से मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है। जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी उनसे सपा के रिश्ते जग जाहिर होंगे। अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया गया है। ऐसे अपराधियों के साथ सपा का संबंध उजागर हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके साथ ही सपा महासचिव शिवपाल यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को ध्वस्त भी बताया। नहीं है तो का अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ राजनीति में सूचता चाहते सपा में भी कोई बच्चे अपराधी करने वाले हम पकड़ लेते हैं सबको अपराध करने वालों के खिलाफ करके आवाज उठाई। दो पकड़े गए तो और भी तो है और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से हो रही है तो कानून बिल्कुल आपको बता कि योगी सरकार गलत बयानबाजी करके 46-56 काम कर रही है। ये जनता को गुमराह करने का आज मुस्लिम की बात नहीं है, पिछड़ी जाति के लोग और संख्यक ब्राह्मण जो वो कानपुर के अंदर जला दिया जाता है, विधेयक की बात नहीं है। आज हर वर्ग